हाय, आई एम ऋषभ कक्कड़ और करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन आयंस और हमको बतानी है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओ माय गॉड, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमको बतानी है। तो अब बड़े ध्यान से देखिए, आप लोग कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। जितना कार्ब अनायन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, उतना उसके माइनस का वो कम करेगा और उतना ही वो ज्यादा स्टेबल करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कई तरीके के इफेक्ट हम लोगों ने देखे, कई तरीके के ग्रुप देखे जो मल्टीपल इफेक्ट्स लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई रेजोनेंस लगाता है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है, कोई इंडक्टिव लगाता है। हमने प्रायोरिटी ऑर्डर दी, रेजोनेंस जो लगाएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा वाया रेजोनेंस, माइनस आर ग्रुप जो होगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 मेरे को दिख रहा है। सबसे पहले मेरी नजर गई NO2 के ऊपर। आप देखिए NO2 को, NO2 जो ग्रुप है आपको याद होना चाहिए कि वो माइनस आर इफेक्ट भी लगाता है, बिकॉज ये पैरा पोजिशन पर पड़ा हुआ है, और माइनस आई इफेक्ट भी लगाएगा। और CH3 ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा तो CH3 ग्रुप आप लोगों का प्लस आई लगाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगाता है, प्लस एच भी आप कह सकते हो, कहने को कह सकते हो। अब अगर मैं बात करूंगा आपसे पार्ट नंबर 1 की, तो पार्ट नंबर 1 के अंदर आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन कनेक्टेड है और ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर। जिस भी ग्रुप पे लोन पेयर होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये ग्रुप बन जाता है प्लस आर। अब लगा ऑक्सीजन है कार्बन पर, तो कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये माइनस आई ग्रुप भी शो करता है बट साथ साथ प्लस आर ग्रुप भी हो जाता है। थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट पे ऐसा कुछ भी छेड़छाड़ करने को नहीं लगा है। तो कहां पे कार्बन अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? कार्बन अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो पार्ट नंबर 2 देख लीजिए कहां पे सबसे पहले आ रहा है। एक ही जगह पे पार्ट नंबर 2 सबसे पहले आ रहा है, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मिला लेते हैं बाकी। उसके बाद दिया हुआ है लास्ट में, कौन दिया हुआ है? फर्स्ट। लास्ट में फर्स्ट इसलिए दिया हुआ है बिकॉज ये प्लस आर ग्रुप है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक फेंक के मारेगा और इस माइनस चार्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, तो सबसे अनस्टेबल हो गया। तो यहीं से आप बाकी पार्ट भी चेक कर लेना, आई होप आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, अरेंज द अबव फिनॉल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए वैल्यू। जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका के ए उतना ही ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आप सब स्पीशीज में से एच प्लस निकाल के उनका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो ए पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का ये रहा। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूंगा, एच प्लस निकाल दीजिए, और थर्ड पार्ट में से भी मैं बात करूंगा तो एच प्लस निकाल दीजिए। अब देखिए कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है बना हुआ कॉन्जुगेट बेस, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है? सबसे ज्यादा यहाँ पे NO2 ग्रुप आपको नजर आ रहा होगा। NO2 ग्रुप माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट दोनों लगाता है और ये आसानी से इस को माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और कम करेगा। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लगाए, ऑर्थो पोजीशन पर भी माइनस आर और माइनस आई दोनों के दोनों इफेक्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे लगा है NO2 मेटा पोजीशन पे, जहां पर कार्बन पे ओपे माइनस है, पहली पोजीशन ऑर्थो होती है, दूसरी पोजीशन मेटा होती है, थर्ड पोजीशन पैरा होती है। अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करेंगे, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से बनेगा। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको अब तक आना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। सबसे पहली बात तो ये है। फिर मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके लिए बोर्ड पर बना दिए हैं, आपके लिए स्क्रीन पर बना दिए हैं, ठीक है। इसको आप दोबारा से बनाएंगे, जहां पे एरो लगाया है वहां पे चेंज कर देंगे और बाकी सब एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए कहाँ कहाँ पर आ रहा है, और भी बना देते हैं। चलो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, एक बार ऑर्थो पोजिशन पे आया, एक बार पैरा पे आया, मेटा पोजिशन पे नहीं आया। NO2 अगर मेटा पोजिशन पे लगा है तो वो केवल माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आर तो बिल्कुल भी नहीं दिखा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं सेकेंड और थर्ड में।
सेकंड और थर्ड में एटम्स बहुत दूर दूर हैं, NO2 काफी दूर है ऑक्सीजन से, तो रिपल्शन कम होगा, इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो थर्ड होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड क्यों होगा? बिकॉज उसमें O के माइनस पे और NO2 में रिपल्शन सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाली स्पीशी होगी, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगी, और सबसे कम जो एसिडिक होगी वो मेटा पोजिशन वाली होगी, यानी कि जो आंसर आपका आना चाहिए वो आपका पार्ट ए आना चाहिए। थर्ड सबसे एसिडिक, फर्स्ट सबसे कम, बीच में रहा बीच वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, आपको इसके लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए होगी। अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन। ठीक है, एच प्लस की कंसेंट्रेशन से ही आप समझ जाइएगा कि आपसे वो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो ये पूछ रहा है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर कम फिर कम फिर कम, डिक्रीजिंग। सबसे ज्यादा एसिडिक आपको ढूंढना है। एसिडिक स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए आप सबसे पहले एच प्लस लूज करवाते हैं। आपने अगर इसमें से एच प्लस लूज करवाया तो ये बनेगा, और फिर लूज करवाया तो ये बनेगा, और फिर लूज करवाया तो ये बनेगा, राइट। और एच प्लस जो सबसे जल्दी देगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये स्पीशी जब एच प्लस देगी तो ये बनेगा। अब इस स्पीशी की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए, इनमें से तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आई थिंक सबसे ज्यादा स्टेबल आपको नजर आना चाहिए कि ये तो सबसे लास्ट में होगा, यानी कि थर्ड वाला पार्ट तो सबसे लास्ट में आएगा, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे ये कार्बन तो सब में कॉमन है, ये वाले कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साथ साथ ये एक बेंजीन रिंग है पूरी की पूरी। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन ये बनता है, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजोनेंस वेजोनेंस लग नहीं पा रही है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन है। अब आपको ये देखना है कि कौन सबसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉइंग है। मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो खींचेगा तो क्या ही, दान और करेगा, तो सबसे कम हो गया, तो लास्ट में तो थर्ड पार्ट आएगा। तो लास्ट में थर्ड पार्ट कहाँ पे दिया हुआ है? दो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी और ए पार्ट में दिया हुआ है, यानी कि ये दो पार्ट तो आपके ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। इसके बाद अब आप देख लीजिए ए पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल या बी पार्ट, ए स्टेबल या बी स्टेबल। अब मैं आपको कहूंगा कि इसके लिए आपको रिक्वायर्ड थी प्रीवियस नॉलेज, इंडक्टिव इफेक्ट आपको पहले से पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या बेंजीन खींचेगी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको कहूंगा कि आप याद रख लीजिए कि बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब माइनस आई इसका अच्छा होगा, सबसे कम माइनस चार्ज इस स्पीशी पे होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये रहेगा, यानी कि फर्स्ट जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, उसके बाद आएगा सेकंड, और उसके बाद आएगा थर्ड। पार्ट नंबर ए इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं हम आगे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट अच्छे से कर दे वो ज्यादा बेसिक है। नाइट्रोजन हर जगह आपको चमक रहा होगा, हर जगह आपको नाइट्रोजन चमक रहा है, नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर की फॉर्म में लेके बैठा होता है, वो ही देगा। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे कार्बन अलग है, तो सेकंड पोजीशन आप चेक कर सकते हैं, ये हम भी सेकंड पोजीशन पे चेक कर लेते हैं, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। आपको पता होना चाहिए परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है परसेंटेज एस करेक्टर। और आपको पता होना चाहिए कि sp3 sp2 sp में sp3 में 25% होता है परसेंटेज एस करेक्टर। भाई चार में से एक है तो 25% होगा, तीन में से एक है तो 33.3% होगा, 50% होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो सबसे कम बेसिक होगा आपका थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन देख लीजिए लास्ट में कहां पे है, दो ये रहा, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा। ए इज योर राइट, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, इसको हटाइए इसको हटाइए। अरे देखिए भैया ऐसा है कि ऐसा है कि बी इज योर राइट आंसर होगा, बिकॉज बिकॉज ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें सेकंड वाला है, इसमें कार्बन जो है आप लोगों का वो तीन चेन में है, सिंपल ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये बात आप लोग को समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है।
sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ, ये बात आप लोग याद रखना। तो मैं आपको कह रहा हूं कि बी आप लोग का राइट आंसर है, शायद आप लोग को बात मेरी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 15 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिक वो ज्यादा होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट बढ़िया से करता है, राइट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा। सारे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, बट यहाँ पे बेंजीन 3 है तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस में है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है तो उससे कम रेजोनेंस में है, यहाँ पे एक ही रिंग है तो और कम है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा बेसिक जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, यानी कि सी पार्ट इज योर राइट आंसर। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर करना, फोटो मेरी अटक गई थी उसके लिए माफ करना। बाय बाय।